यहीं यहीं खुलेगा वो अदृश्य द्वार। मोहिनी कहां रह गई? अगर अगले कुछ समय में मोहिनी नहीं पहुंची तो द्वार बंद हो जाएगा, उसकी पूजा अधूरी रह जाएगी। नहीं, आज मेरी पूजा अधूरी नहीं रहेगी। क्या हावी हो रहा है मुझ पे? मैं नागिन रूप क्यों नहीं ले पा रही? कहीं इस खंजर का असर तो नहीं? कुछ ही पल बाकी है, मुझे अब जाना ही होगा। भैया, क्या मोहिनी दीदी सचमुच नहीं आएगी? उन्होंने मुझसे वादा किया था, पर आपकी मोहिनी दीदी ने आज तक कोई भी वादा नहीं तोड़ा। वो जरूर आएंगी, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। चुन्नू आओ हमारे पास आओ। द्वार बस खुलने ही वाला है, लेकिन याद रहे हमारे पास अंदर जाने के लिए सिर्फ 12 पल है। 12 पल। वसुधा, चंदर, आप अन्य सभी नागों के साथ अंदर की ओर बढ़ी। नहीं, मैं मोहिनी दीदी के बिना नहीं जाऊंगा। पिता, मोहिनी दीदी हमें अंदर माता मनसा के मंदिर में ही मिलेंगी। हमें चलना होगा।
अगर मैं नहीं गया तो माता मनसा की पूजा अधूरी रह जाएगी और मैं अन्य सभी नागों की आस्था टूटने नहीं दे सकता। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक नहीं लग रही हो। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ नहीं हुआ। तुम्हें किसी ने रोकने की कोशिश तो नहीं की? कोशिश तो बहुत की उन्होंने, पर वो मुझे रोक नहीं पाए। पर अब महामाया को मुझ पर पूरा शक है। आज अगर वो मेरा चेहरा देख लेती तो उनका शक यकीन में बदल जाता। लेकिन वो तुम्हें फिर भी नहीं देख पाई और ये तुम्हारी सूझबूझ और लगन का ही नतीजा है कि तुम दुश्मन के बीच रहकर भी नागवंश की परंपरा को निभा पाई हो। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आओ मोहिनी, खुशी खुशी हम अब माता मनसा की आराधना शुरू करते हैं। हाथ से निकल गई, उसके गले तक हम पहुंच ही गए थे, पर कहां तक भागेगी? हमारे खंजर की चोट से हम उसे पहचान ही लेंगे। लेकिन महामाया वो तो गायब हो गई। वो गायब नहीं हुई अधिराज, वो यही कहीं है, यही कहीं छुपी है, उस अदृश्य दरवाजे के पीछे, उसकी कुल देवी के मंदिर के अंदर। पर हम उसे ढूंढी निकालेंगे। पर कैसे महामाया? इन सारे पत्थरों को देख रहे हो, इनमें से किसी एक पत्थर के पीछे वो तिलस्मी मंदिर का दरवाजा है। जाओ, जाकर तोड़ दो उसे। जल्दी करो अधिराज, अगर नागपंचमी का ये पहर निकल गया तो सारे सपोले अपने बिल में वापस घुस जाएंगे। अधिराज, यही मौका है दुश्मनों को एक साथ ढेर करने का। जी महामाया। Thank you.
दरवाजे को, खत्म कर दूंगा हर एक नाक को आज। अधिराज,
दर्शनी भजामि विंध्यवासिनी। मोहिनी, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। कड़ी मुश्किलों को लांघ कर मेरे मंदिर तक पहुंचकर अपनी पूजा पूरी करके आज तुमने मेरी सबसे प्रिय भक्त होने का स्थान प्राप्त किया है। मेरा आशीर्वाद सदैव नागलोक पर बना रहेगा।